सिंगू बॉर्डर पर हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं लखबीर सिंह की हत्या जिन 2 तलवारों से की गई थी, उन्हें भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। केस में 4 निहंगों की निशानदेही पर SIT ने सिंगू बॉर्डर स्थित उनके डेरे से वो 2 तलवारें बरामद की, जिनसे लखबीर का हाथ और पांव काटा गया। इन्हीं 2 तलवारों से उनके शरीर पर घाव किए गए। लखबीर की हत्या की बात कबूल कर चुके निहंग नारायण सिंह, सरबजीत सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह के खून से सने वो कपड़े भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जो उन्होंने वारदात के वक्त पहन रखे थे। जानकारी के मुताबिक सोनीपत पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि पुलिस अभी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान 3 आरोपियों ने जज के सामने कबूल की कि उन्होंने लखबीर सिंह की हत्या की है। इस दौरान आरोपी निहंग नारायण सिंह ने कहा कि उसने पैर काटा था, तो वहीं भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने उन्हें लटकाया था। सोनीपत के SP जशनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक निहंगों ने पूछताछ में बताया कि सबसे पहले भगवंत ने लखबीर को धार्मिक ग्रंथ उठाकर भागते देखा। भगवंत सिंह के तुरंत शोर मचाने पर लखबीर पकड़ा गया। लखबीर की मौत हो जाने के बाद उसे बैरिकेड से लटकाने में भी भगवंत सिंह शामिल रहा। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने लखबीर की हत्या से जुड़े केस की जांच के लिए 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें यानी SIT बनाई है। ये दोनों SIT इस केस की अलग अलग एंगल से जांच करेगी। SIT में शामिल अधिकारी लखबीर की हत्या की असल वजहों के साथ साथ उस समय मौकाए वारदात के हालात के अलावा निहंगों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की पड़ताल भी करेंगे। गौरतलब है कि निहंग बार बार कह रहे हैं कि 20 लोगों को बेअदबी करने के लिए 30-30 हजार रुपए दिए गए हैं और उनमें से लखबीर भी एक था। बाकी बचे हुए 19 लोग कौन हैं, ये भी पुलिस को पता लगाना है। लखबीर आखिर अपने गांव से सिंघू बॉर्डर पर क्यों आया, इसका जवाब भी तलाशना बाकी है।